Hello students, so today we are going to study a new chapter, that is Madam Rides the Bus, class 10th. This chapter is very important and we will read it very minutely with all the details. So there was a girl named Valli Ammai. So by the name only you can make out this is related to South Ammai, who was called Valli in short. उसका छोटा नाम वल्ली था. She was 8 years old and very curious about things. Curious means eager. Curious का मतलब क्या होता है बच्चों? Eager. तो she was very eager. If you see the word meanings here, it is eager. तो she was very eager. Her favorite pastime was standing in the front doorway of a house, watching what was happening in the street outside. So what was her favorite pastime? Pastime means act of entertainment. What do you mean by pastime? Act of entertainment. So how she used to entertain herself? By standing on the front door. This is the front door of her house and she is standing there. You can see Valli, she is standing there, Valli. And she is watching all the activities which are going outside. तो अपने घर के बाहर की सब activities को दरवाजे पे खड़े होके देखना ही उसका favorite pastime था. There were no playmates of her own age on her street. उसकी गली में उसके प्लेमेट उसके बराबर की कोई लड़कियां नहीं थी. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू. और इसीलिए वो गेट पे अपने दरवाजे पे खड़े होकर बाहर झांकती रहती थी. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड. लेकिन वल्ली के लिए अपने दरवाजे पे खड़े होना, घर के मेन गेट पे खड़े होना उतना ही इंजॉयबल था, बहुत इंजॉयबल था जितना कि बच्चे एलैबोरेट, जितने बच्चे बड़े बड़े गेम्स खेल के अपने आप को इंजॉय करते हैं, वो केवल गेट पर खड़े होकर ही अपने आप को पूरा इंजॉय कर लेती थी. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. अनयूजुअल माने अनकॉमन. अनयूजुअल माने क्या होता है? अनकॉमन. तो अपने गली पे अपनी स्ट्रीट में देखना, झांकना बाहर, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बस आ रही है, डॉग है, इन सब चीजों को देखना ही उसको बहुत ही अनकॉमन एक्सपीरियंसेस अनुभव देता था. तो आपने देखा कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? मेन अपने गेट पे खड़े होकर बाहर देखना. द मोस्ट फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, उसका मीनिंग ऊपर ही लिखा है. थिंग वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन अ विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. फेवरेट उसका जो सबसे अट्रैक्ट करता था, उसको जो आकर्षित करता था, वो था बस का आना जो उसके गांव से उसके शहर तक जाती थी. बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन इट पास्ड हर स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटे पे वो बस आती थी जाती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. टू एंड फ्रो जाती थी बस. तो उसको देखना द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. और हमेशा बस में एक न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, नए यात्री हुआ करते थे बस में. Was a source of unending joy for Valli. उसको बड़ा मजा आता था ये देखने में. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. तो वो दिन पर दिन वो देखती रहती थी और क्या हुआ, धीरे धीरे उसके दिमाग में एक टाइनी विश, एक छोटा सी इच्छा, विश माने इच्छा, क्रैप माने रैंक कर जाना. तो धीमे धीमे उसके दिमाग में एक इच्छा पैदा होने लगी. क्या इच्छा? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दिस बस. वो भी उस बस में जाना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, केवल एक बार, चाहे एक ही बार जाने को मिले, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? कि बस में जाए. दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. और धीमे ये विश इतनी स्ट्रांग होती गई कि वो ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग मतलब ओवर पावरिंग, यानी कि उसके डिजायर ऐसी इच्छा हो गई जो उसने उसको ऊपर पूरा ओवर पावर हो गया, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो गई उसकी इच्छा. और उसने सोचा कि अब तो मैं जाऊंगी. बॉलीवुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर. विस्टफुली माने क्या होता है बच्चों? लॉन्गिंगली, कि बहुत ही जानती, देखना चाहती थी कि कैसे लोग घूर घूर के लोगों को देखा करती थी बड़े ध्यान से, कि कैसे लोग बस से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जब वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी. देयर फेसेस वाज किंडल इन हर लॉन्गिंग. और उसके उनके फेसेस, जो यात्रियों के जो चेहरे थे, वो उसके अंदर किंडल, किंडल माने सैटेलाइट यानी कि अफायर, उसके अंदर और जिज्ञासा पैदा करते थे और आग पैदा कर देते कि उसको भी एक दिन उस बस में जाना है. लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. और उसकी किस चीज को वो किस चीज में फायर लगाते थे और लॉन्गिंग में, डिजायर, होप, है ना,
जो उसकी इच्छा थी उसको और भड़का देते थे, कि उनके चेहरे जब वो देखती थी तो उसकी और दृढ़ता हो जाती थी कि मैं भी इस बस में जरूर एक दिन जाऊंगी। ए वन ऑफ अ फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। अगर उसकी कोई फ्रेंड बस में होके आई हो और आके डिस्क्राइब कर रही हो कि टाउन में उसने साइट्स माने क्या क्या दृश्य देखे, तो वो वल्ली उससे जेलिस हो जाती थी, उसको जलन होने लगती थी कि वल्ली ये शहर हो आई मैं नहीं जा पाई, और वो इंग्लिश में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। अब प्राउड का मतलब तो होता है गर्व करना, लेकिन यहाँ पर उनको प्राउड का मीनिंग नहीं मालूम है, ना वल्ली को ना उसकी फ्रेंड को। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो वर्ड को क्यों यूज करते थे? एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन। स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड्स, है ना। कई बार आपने देखा कि लोग इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन उनको उनका मीनिंग नहीं मालूम होता है, तो बस केवल एक रिजेक्शन, रिजेक्शन दिखाने के लिए कि वो उसकी बात से समर्थन नहीं करती, इसलिए वो प्राउड प्राउड बोलती थी। और उसकी फ्रेंड को भी मतलब समझ में नहीं आता था, उसे खुद भी इसका मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे ये वर्ड आता था तो वो ये वर्ड बोल देती थी। तो आपने देखा बच्चों कि वो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी शहर जाने के लिए बस से। Over many days and months, Valli listened carefully to the conversation between the neighbors and people who regularly use the bus. So, कई दिनों से उसका ये planning शुरू हो गई, कई days, month बीत गए और Valli बहुत ध्यान से बातचीत कर, conversation मैंने बातचीत सुनती neighbors और people की जो regularly बस से आते जाते थे। And she also asked a few discreet questions here and there. और कुछ discreet, discreet माने careful, कुछ बहुत ध्यान से वो question बीच में वो टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछ लेती थी कि बस के आने जाने के बारे में। क्यों पूछ लेती थी वो क्वेश्चन, ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि उसका भी प्लान बन रहा था बस से जाने का एक दिन। ठीक है बच्चों। शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी। धीमे धीमे उसने बस जर्नी की एक एक डिटेल को इकट्ठा करना शुरू किया। द टाउन वॉज 6 miles। क्या क्या उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली? पहली कि टाउन जो है वो कितना है, 6 miles अवे, 6 miles की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 paise। एक तरफ का किराया, फेयर माने किराया, फेयर माने क्या होता है, किराया। किराया कितना है? 30 paise, which is almost nothing at all, she heard one well dressed man say. एक बार एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी ने ये बात कही कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है किराया, क्योंकि अमीर आदमी के लिए तो वो किराया 30 paise कुछ भी नहीं था। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, scarcely माने hardly, ये लिखा है नीचे, scarcely माने hardly, तो यानी कि जो स्केसली, जिसने हार्डली, शायद ही इतना पैसा देखा था, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, इट सीम्स अ फॉर्च्यून, उसके लिए ये पैसा बहुत बड़ा रिचेस था, बहुत बड़ा धन दौलत थी, उसके लिए खजाना था ये। तो वल्ली, क्योंकि उसको तो पैसे मिलते नहीं थे और एक एक सिक्का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस था, एक महीने से दूसरे महीने के लिए उसने इतने पैसे नहीं देखे थे, तो उसके लिए तो ये पूरा खजाना था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। तीसरा डिटेल उसने क्या पता किया कि 45 मिनट लगते हैं। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she would return home on the same bus. This meant that she would take 1 o'clock afternoon bus, reach the town 1:45 and be back by 2:45. तो उसने देखो तीन इंफॉर्मेशन निकालनी बस के बारे में। पहला कि वो बस टाउन में कितनी दूर है, 6 miles है, 6 miles दूर है। दूसरी इंफॉर्मेशन उसने क्या निकाली कि 30 paise आने के, 30 paise जाने के। तीसरा उसने निकाली कि क्या उसको कितना टाइम लगता है बस को। तो अगर वो, उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली कि अगर वो इतने बजे वाली बस से जाएगी, 1 बजे वाली बस से जाएगी, तो 1:45 पे शहर पहुंच जाएगी और वापस आते आते उसको 2:45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी कर ली। On and on went her thought as she calculated and recalculated, planned and replanned. Re मैंने बच्चों आपको बताया है, ये prefix है, जिसके भी आगे आप re लगा देंगे मतलब दोबारा। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने thoughts को उसने calculate, recalculate, planned, replanned, दोबारा दोबारा करा। अगर आप successful होना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी calculations को update करना चाहिए, planning को update करना चाहिए, check करना चाहिए बार बार। तो इसी तरह वल्ली ने अपनी प्लानिंग को पूरा अंतिम रूप देने से पहले उसको प्लान दोबारा प्लान, कैलकुलेट दोबारा कैलकुलेट किया। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अब एक दिन स्प्रिंग का दिन था, बढ़िया, और दोपहर का समय था, और जैसे ही बस जो थी वो गाँव छोड़ के शहर की तरफ निकली, हाईवे पे पहुंची,
तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। वो क्या चिल्ला रही थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एंड द टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, कमांडिंगली मीन द वे ऑफ ऑर्डर, और छोटा सी हाथ बिल्कुल ऑर्डर के रूप में, जैसे वो बस को रोक रही हो। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, धीमे धीमे बस रेंगने लगी और रुक गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग इज हेड आउट ऑफ द डोर, आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है, ये स्टिकिंग इज हेड आउट ऑफ द डोर, सेड हरी अप, टेल हूएवर इज टू कम, इट इज टू कम क्विकली, इट्स मी, उसने कहा जल्दी बुलाओ जिसको तुम्हारे संग जाना है, इट्स मी, उसने कहा मैं हूँ, आई एम द वन हू हैज टू गेट ऑन, मुझे ही जाना है। यानी कंडक्टर ने सोचा कि इस बच्ची के संग कोई बड़ा होगा, लेकिन कोई भी नहीं था। बाय नाउ द बस हैज कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, हो रियली यू डोंट से सो, ऐसा मत बोलो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर माई मनी, उसने कहा ये मेरा पैसा है, तो उसने कहा मेरे को ही जाना है और ये मेरा पैसा है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और कंडक्टर जैसे आप देख रहे हैं लटका हुआ था बाहर कोई, तो उसने अपना हाथ दिया कि आओ हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ, स्ट्रेच माने हाथ फैलाया उसके सामने। नेवर माइंड आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, उसने कहा मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जो था बहुत मजाकिया था, जोवियल नेचर था, जॉली सॉर्ट ह्यूमरस नेचर था, तो उसने कहा ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, उसने कहा ओके ओके गुस्सा मत हो मैडम। मैडम किसको बोलते हैं? एल्डरली पर्सन को बोलते हैं जो मेच्योर्ड हो, रिस्पेक्टफुल हो। लेकिन वो एक बच्ची को बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये कुछ जोक है, जोवियल नेचर था ना वो, इसलिए। ही सेड हियर हैव योर सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, उसने कहा सबसे आगे की तुम सीट ले लो। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम, उसने कहा चलो सब एक तरफ हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्टर जो है वो उसको वेलकम कर रहा है मजाक मजाक में, क्योंकि बच्ची है तो बच्ची को लोग हंसते हैं, बच्चे के संग खेलते हैं, बात करते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे ही वो भी कर रहा था। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक माने लूज, ढीला वक्त था, यानी आलस का समय था दिन का, और ज्यादातर लोग दोपहर में अपने घरों में सो जाते हैं या आराम करते हैं। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, इसीलिए बस में बहुत कम लोग थे। देयर वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब लोग वल्ली के संग देख के, वल्ली को देख देख के और कंडक्टर की बात सुन के हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवर कम विद शाइनेस, शाइनेस माने एम्बेरसमेंट, तो वल्ली भी एम्बेरस हो गई, ठीक है, उसको भी शर्म आ गई, एम्बेरस। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, तो उसने सबकी निगाहों से बचती हुई, शर्माती हुई वो जाके आगे की सीट पे बैठ गई। ओके मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्स स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस, फिर उसने उसको जानबूझ के कंडक्टर ने बच्चे को बोला कि ओके मैडम बस चलें, अब हो गया आपका, बैठ गई आप, है ना। देन ही ब्लू हिज टू व्हिसल, फिर उसने अपनी व्हिसल को, व्हिसल माने सीटी को, दो बार बजाया, ये उसका साइन था ड्राइवर के लिए कि चलो। द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर लाउड नॉइज, बस आगे को बढ़ी एकदम तेज आवाज करके, जैसी बस में गियर डालते हैं तो आवाज आती है ना तेज, तो वो आवाज आई। इट वॉज अ न्यू बस, एक नई बस थी वो, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड, और बस का बाहर का हिस्सा बिल्कुल नया नया पेंट हुआ हुआ था और चमक रहा था, उसमें ग्रीन वाइट था और वाइट के बीच में ग्रीन रंग की स्ट्राइप्स थी, बड़ी बड़ी डिजाइन बनाई गई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और ओवरहेड उसमें बार्स थे ऐसे बने हुए थे पूरे लंबे लंबे, और वो चमक रहे थे चांदी की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड क्या होती है, जो आगे का कांच होता है ना बसों में, ट्रम लगा रहता है, कांच होता है बड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ी जगह रहती है जहाँ पे वो लोग भगवान को और घड़ी वगैरह को लगा लेते हैं, वो पूरे एरिया को विंडशील्ड कहते हैं। सो देयर वॉज ब्यूटिफुल क्लॉक, द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, सीट्स भी बहुत आरामदायक थी, कंफर्टेबल थी, लग्जीरियस माने कंफर्टेबल, सॉफ्ट माने मुलायम। वर्ली डिवॉट टू इनगल्फ एवरीथिंग विथ हर आईज, और वर्ली जो वो कोशिश कर रही थी कि वो सब कुछ को देख ले, सब चीज को इंजॉय कर ले, डिवोर माने होता है निगलना, इनगल्फ करना, तो हर चीज को देख देख के इंजॉय करना चाहती थी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखा, शी वाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस, कैनवस आप देख रहे हैं ये विंडो बनी है, इसमें जो ऐसे कांच लगा है इसको बोलते हैं कैनवस, तो उसकी खिड़की में इतना कैनवस था आधा, तो जिसकी और उसकी हाइट कम थी, उसकी छोटी बच्ची थी वो, तो उसको खिड़की के बाहर आधा ही दिख रहा था, ठीक है। सो शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस बिल्ट ब्लाइंड, ब्लाइंड माने क्या होता है, पर्दा,
तो कैनवस का जो पर्दा सा बना था उसकी वजह से उसका आधा व्यू कट रहा था, दैट दे कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। शी तो उसको आधी खिड़की दिखाई दे रही थी, आधी खिड़की नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी हाइट कम थी एक तो। तो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई। एंड पियर्ड, पियर्ड माने झांकना, वॉच कॉन्स्टेंटली, बाहर झांकने लगी। ओवर द ब्लाइंड, यानी उस पर्दे से बाहर झांकने लगी, कैनवस का जो पर्दा था उससे बाहर झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल, अब जो नदी, जो बस थी वो एक कैनाल, एक नहर के साथ साथ चल रही थी। जैसे एक तरफ नहर थी और उसके संग रोड बनी थी, तो रोड पे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत सकरी थी, स्मॉल विड्थ की थी। ऑन वन साइड देयर वॉज कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन, ब्लू ब्लू स्काई। तो पहले रोड, फिर नहर, और नहर के आगे जो हिस्सा था वो खुला हिस्सा था, वहाँ पे बड़े बड़े कैनाल, जो पेड़ थे पाम के, और घास लगी हुई थी, पहाड़, और दूरी पे पहाड़ दिख रहे थे और आसमान दिख रहा था। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी थी। ऑन अदर साइड वॉज अ डीप डिच ट्रेंच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और उसके दूसरी तरफ बस के वो था एक गहरी सी खाई जैसी बनी हुई थी, और उसके आगे खेत ही खेत, खेत ही खेत थे, जैसे कि आप लोग देखते ही जाते समय रस्तों में गार्डन्स पड़ते हैं। एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक निगाह जा वहाँ ग्रीन ही ग्रीन था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वली कभी घर के बाहर आई नहीं थी ऐसे ट्रिप्स पे, और उसको बड़ा वंडरफुल, बहुत मजा आ रहा था। सडनली शी स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तभी वो एक चौंक गई, स्टार्टल माने शी वॉज शॉक्ड बाय अ वॉइस। लिसन 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 चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, उसने कहा सुनो बच्चे तुम खड़े मत हो, बैठ जाओ, है ना, किसी ने उसको बोला तो वो एकदम चौंक गई। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठ गई, फिर उसने देखा कौन बोला मुझसे। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, तो एक ऑनेस्टली एक बुजुर्ग सा आदमी था, बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, जो उसके लिए ऑनेस्टली माने ईमानदारी से, कंसर्न माने चिंता, ही वॉज केयरिंग फॉर हर। बट शी वॉज अनॉयड बॉय हिज अटेंशन, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा, वो चिड़ गई, शी गॉट एंग्री, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला, सिट डाउन चाइल्ड, उसको चाइल्ड कहना पसंद नहीं आ रहा था। उसने क्या बोला, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, उसने कहा यहाँ पे कोई भी नहीं है जो चाइल्ड है। शी सेड हॉटिली, हॉटिली माने एंग्रीली, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे सबने दिए हैं, इसलिए मैं बच्ची कैसी हो गई, अगर मैं बच्ची थी तो मुझसे पैसे क्यों लिए कंडक्टर ने, है ना। द कंडक्टर चाइम, चाइम माने बीच में बोल पड़ा मजाक करते हुए, ओ सर बट दिस इज अ ग्रोन, वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर चाइल्ड कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। उसने कहा अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी मैडम है, आप क्या सोचते हैं एक छोटी सी बच्ची है क्या अपना पूरा किराया देगी और अकेली जाएगी शहर, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये बात उसने मजाक में कही, लेकिन वल्ली को और गुस्सा आ गया, वल्लू शर्ट एंड एंग्री ग्लांस, वल्ली ने उसको बहुत गुस्से वाली निगाह से देखा, एंग्री ग्लांस मींस एंग्री साइड से उसको देखा। एट द कंडक्टर एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेम्बर दैट, उसने कहा कोई मैडम नहीं हूं मैं, याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, तुमने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन अभी तक टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेम्बर, हाँ मुझे याद है, द कंडक्टर सेड मिमिकिंग इमिटेटिंग हर टोन, तो जिस टोन में वल्ली ने उसको बोला ना आई एम नॉट अ मैडम प्लीज रिमेम्बर, तो उसने भी बोला ओ आई विल रिमेम्बर, मुझे याद है, मतलब उसने उसकी नकल करी, मिमिक्री माने इमिटेशन, इमिटेट करना। एवरीवन लाफ, सब लोग हंसने लगे बस में, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंट इन द लाफ्टर, और वल्ली को भी हंसी आ गई जिस हिसाब से कंडक्टर ने उसकी नकल उतारी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, उसने कहा पीछे को के बैठ जाओ और कंफर्टेबल रहो। व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम क्यों खड़ी हो रही हो जब तुमने सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, उसने कहा मैं क्योंकि खड़ी होना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हो रही हूँ, समझे। शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से वो खड़ी हो गई। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, तो उसने कहा हम तो तुमको इसलिए कह रहे हैं बैठने को कि अगर तुम खड़ी रहोगी सीट के ऊपर तो जैसे ही बस टर्न करेगी कहीं पे, जैसे कोई रास्ता मुड़ने वाला होगा और बस तेजी से टर्न करेगी तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, या कोई बस कोई गड्ढे में अगर उतर जाती है या कोई स्पीड ब्रेकर है और बस जंप लेती है या बस एकदम से झटका लगता है बस में तो तुम्हारे गिरने का डर है।
That's why we want you to sit down, child. तो इसलिए हम चाहते हैं तुम बैठ जाओ. I am not a child, I'll tell you, she said, irritatedly. और चिढ़ गई उसने कहा, मैं फिर तुमने मुझे बच्चा कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ. I am 8 years old. मैं 8 साल की हूँ. Of course, my child. How stupid of me, 8 years, my. तो बस कंडक्टर ने कहा, हाँ हाँ, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, बताओ 8 साल की बच्ची है और मैं इसको छोटा समझ रहा हूँ. The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. अब बस रुक गई थोड़ा सा बीच में, नए यात्री चढ़े और कंडक्टर जो था बिजी हो गया टिकट वगैरह बनाने में. अफ्रेड ऑफ लूजिंग अ सीट, वर्ली फाइनली सेट डाउन. तो वर्ली को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो वो खड़ी रहेगी तो उसकी सीट पर कोई बैठ जाए, इसलिए वर्ली जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गई. एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हिम. अब एक बुजुर्ग सी महिला आई और उसके बगल में बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर, उसने कहा तुम अकेली जा रही हो बेटा. She said Valli as the bus started again. जैसे बस शुरू हुई उसने पूछा. Valli found the woman absolutely repulsive. Valli को वो औरत बिल्कुल भी disgusting अच्छी नहीं लगी, disgusting लगी. क्यों? उसके दो कारण थे. Such big holes she had in her earlobes. उसके कान में इतने बड़े बड़े वो थे, छेद थे. And such ugly earrings. और वो बहुत कान में गंदे गंदे पहने हुए थी. कान में जो वो earrings पहनी थी बहुत गंदे गंदे पहनी थी, पहला कारण. उसके बड़े बड़े कान के लोब्स लटके हुए थे, उसमें गंदे से इयररिंग्स पहनी थी, वो इसलिए अच्छी नहीं लगी. और दूसरा, शी कुड स्मेल द बीटल नट. और ये देखो मुंह में तंबाकू खा रही है ना, पान खा रही है, तो ये बीटल जूस. और ऐसा लग रहा था बीटल जूस उसके मुंह से किसी भी समय टपक के बाहर गिर सकता है. वॉज चूइंग, चूइंग माने चबाना. एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग माने डेंजर. टू स्पिल, स्पिल माने फेल ऑफ, गिरना. ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम. और वो जब वो बोल रही थी तो ऐसे लग रहा था कि उसके मुंह से जो पान का जो रस है वो कभी भी बाहर निकल के गिर सकता है. तो ये दो कारण थे कि वल्ली को वो औरत बहुत ही डिस्गस्टिंग लगी. मोमेंट अह, अह अह क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें अपन कहते हैं ना ओफो, घिन घिन आने का एक्सप्रेशन होता है. तो उसने अपने मन में कहा ओफो, हु कुड बी सोशियबल फ्रेंडली विद सच अ पर्सन. तो ऐसे उसके संग कौन सोशियबल होगा, कौन फ्रेंडली होगा. Yes, I am traveling alone. हाँ मैं अकेली जा रही हूँ, she answered curtly. उसने शॉर्ट में आंसर दिया, हाँ मैं अकेली जा रही हूँ. And I have got a ticket too. मेरे पास टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor. What a 30 paise ticket. उसने कहा बेटा 30 paise ticket. तो कंडक्टर फिर आ गया, उसने कहा हाँ हाँ ये शहर जा रही है, उसने 30 paise का टिकट भी लिया है. Why don't you mind your own business? अब वल्ली को गुस्सा आ गया कि फिर से तुम आ गए. तो उसने कहा why don't you mind, अपना काम क्यों नहीं करते हो. Said Valli, but she laughed all the same, and the conductor laughed too. वो भी हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा. But the old woman went on her with a drivel. लेकिन वो बुढ़ी औरत अपनी drivel, यानी अपनी nonsense talk करती रही. क्या-क्या बोलती रही वो वल्ली से? Is it proper for such a young person to travel alone? क्या ये अच्छी बात है? इतनी young लड़की हो तुम अकेली जा रही हो? Do you know exactly where you are going in town? क्या तुम्हें पता है तुम्हें शहर में कहाँ जाना है? What's the street? कौन सी गली में? What's the house number? कौन से हाउस में? You needn't bother about me. I can take care of myself. तो उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं अपनी चिंता कर सकती हूँ, तो मेरी चिंता मत करो. Bother माने चिंता करना. वल्ली said, turning a face towards the window and staring out. और वल्ली ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगी. तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.